पूरा अपने पास ज्यादा रहता तो उतना इफेक्ट नहीं रहता, बोले अपने पास से ओरिजिनेट नहीं हुआ तो सब मेडिशल मकसद ये है कि एक एक आदमी को थोड़ा मिलने का थोड़ा दूर करना, मिनिमम एक मीटर डेढ़ मीटर का डिस्टेंस रहना आदमी को ताकि पूरे दिन का उनका लेना इनका कुछ भी बच्चा उनके बच्चे को नहीं आना, सांस हो कुछ भी हो उनकी छाँव वैसा पेशेंट के लिए। कल भी अपने एक वॉलंटियरिंग का एक आज राजेंद्र नगर में सारी जो मस्जिद के बड़े लोग हैं इमाम हैं सबके लिए मीटिंग ने रिक्वेस्ट किया है कि आज से कोई भी बड़े जुलूस हो बड़े प्रोसेशन हो, क्योंकि अभी कोरोना का फैलने का चांसेस ज़्यादा है बोल के कोई भी बड़े प्रोसेशन हो जुलूस हो नहीं निकालने के लिए उनको रिक्वेस्ट किया था। और अभी जो जगने के रात है जगने के रात में भी ज़्यादा नहीं जुलूस निकालने हैं बोल के सबको रिक्वेस्ट किया था। और सभी भी माना है कि अभी कोरोना वायरस के फैलने का इस प्रॉब्लम है कि बोल के वो सब भी बोला है कि सभी मस्जिदों में भी ऐलान करेंगे कि ज़्यादा तक प्रोसेशन जुलूस वगैरह जगने के रात के दिन निकालना है। और जो भी फ्राइडे का प्रेयर्स में भी सभी घर पे ही प्रेयर्स करने के लिए हम सबको रिक्वेस्ट किया और सभी ने माना है। और ज़्यादा तक बाहर भी नहीं घूमना है। और जो भी फंक्शन हॉल्स में है फंक्शंस है मैरिजेस है उसमें भी 31 के बाद कोई भी बुकिंग नहीं करना है। और अभी जो भी बुकिंग है उसमें भी ज़्यादा लोग नहीं जाने के लिए हम रिक्वेस्ट किया है। 200 लोग से ज़्यादा कोई फंक्शन में मैरिज फंक्शन में नहीं अटेंड होने के लिए तो सब ने मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स सभी ने अटेंड किया है। और उन्होंने भी बोला है कि कोरोना वायरस फैलने का बंद करने के लिए जो भी स्टेप्स हैं वो सब भी लेंगे। और सभी मस्जिद और टेम्पल और चर्च के सामने एक फ्लेक्सी भी लगाएंगे कि एक पोस्टर भी लगाएंगे कि ज़्यादा तक लोग इधर नहीं आना है और ज़्यादा तक घर पे ही प्रे करना है। वो सब के लिए सभी लीडर्स ने एक्सेप्ट किया है। और हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़्यादा तक बाहर नहीं घूमना है घर में ही रहना है। और जब भी बाहर आना है कोई सुपरमार्केट जाना है तो फेस मास्क वगैरह लगा कर ही बाहर आना है। मिलते हैं यकीनन मजहब एक हद तक इजाज़त देता है लेकिन वक्त आने पर उसके आपको रोकना उससे दूर रहना उससे परहेज करना इसकी भी इजाज़त देता है। एक आखिरी दो बातें अपन खत्म करता हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक जमात आई हुई थी हुजूर से बैत करने के लिए और उसमें एक आदमी जुजाम बीमारी वाला था। तो जब वो सारे लोग बैत करने के लिए आए तो हुजूर ने सावन से बैत फरमाई हाथ मिलाई लेकिन वो जब जुजाम वाला आया तो हुजूर ने फरमाया इन्ना कद बिईना का मैं तुमसे गायबाना बैत की है। हुजूर ने हाथ नहीं मिला बैत नहीं फरमाई बल्कि फरमा के उससे मैं तुमसे गायबाना बैत कर रहा हूँ तुम यहाँ से पखरुद जा सकते हो। तो हमारे पैगंबर जो हुजूर है उन्होंने भी बीमारी के वक़्त और वबाई जो अमराज है ये फैलने के वक्त उसके इकदाम बताएं। हमें चाहिए कि मुसाफा से फिर गले मिलने से सारी तकारीब हो या आपसी एहतियात हो इतना ही कि बीमारी से पहले एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। और हुजूर ने इसकी इतनी बारीक बताई कि आप देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो हम कान में एक तरफ अजान देते हैं एक तरफ अकामत देते हैं इसलिए कि मौत 60 साल के बाद आनी है लेकिन उसकी तैयारी बच्चे को पैदा होने के बाद बताई जा रही है कि तुम्हें अजान भी दी गई है अकामत दी गई है मौत जो बाद में आने वाली है उसकी तैयारी से करनी है। अब ये ना समझे कि बीमारी करीमनगर में आई है गुलगरबा में फैली है मुंबई में है इटली में है नहीं, अगर आप एहतियात ना करेंगे तो आप पलक बंद करने खोलने से पहले आपके सामने रहेंगे। अगर आप एहतियात करते हैं उससे परहेज करते हैं यकीन जानिए हम सब का अगर साथ हो यकीन जानिए कि इस बीमारी से हम बहुत बच सकते हैं हमारे परिवार को दोस्त अहबाब को बता सकते हैं। यही ख्वाहिश है कि यकीनन
बीमारी आने से पहले एहतियात जरूर करें, ये हुजूर के हदीस से कुरान करीम के वादे से होता है कि, और यकीन करता हूँ कि आपके ये डिसीजन पर हम सब अमल करेंगे, और हमारा भी यकीन है कि अब यहाँ पर जो बातें बताई है आप अपनी तरफ से अपने परिवार में और अपने मोहल्ले वालों को यकीनन बताएं। यकीनन अभी हमने डीसीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, और यहाँ पर जो मौजूद है जिन्होंने हमारे यहाँ पर एहतियात के लिए बताया है, यकीनन वो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, महल्ले के लिए और सारे हिंदुस्तान के लिए यकीनन ज़रूरी है। और यहाँ पर यह बात भी वाजे करूँ कि इस्लाम जो मज़हब है तहूर शतरुल ईमान के पाकी आधा ईमान करार दिया है, साफ सुथरा ही। और दूसरी बात यह है कि ये कोरोना वायरस जो सुनते हैं एक होती है हवाई बीमारी और एक होती है हाथों हाथ फैलने वाली। यकीन है कि कोरोना वायरस जो है ये हवाई नहीं है, बल्कि अगर आप बाहर हैं तो नहीं, बल्कि जब आप किसी से मुलाकात करेंगे, किसी के साथ बैठेंगे, यकीनन ये फैलने वाला है। और आपको और अच्छी तरीके से समझने के लिए बात यहाँ पर वाजे कर दूँ कि आप देखिए इटली है, अमेरिका है, चाइना है, एक हिसाब से इंडिया से बहुत ज़्यादा डेवलप है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, क्लीननेस है, ब्यूटी है, नेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो कोरोना फैला है वो उस पर कंट्रोल करने से कासिर है। क्यों? क्योंकि उनके पास गैदरिंग का ये मसला जो है नहीं रुका। उसके मुकाबले में इंडिया डेवलप है लेकिन उतनी नहीं है, साफ सफाई लोगों के पास उतनी नहीं है, फिर आबादी ज़्यादा है। अगर ऐसे माहौल में हम दावतें, तकरीब, जुलूस, जलसे, प्रोग्राम, दोस्तों की पार्टी, होटलिंग महफिलें अगर हम इसको रोक ना सके तो यकीन जानिए वो लोग जितना परेशान हैं उससे ज़्यादा परेशान हमको ज़रूरत होनी पड़ती है। जो भी आए अभी डिसिप्लिन है, आधा धोने के डेटा से पूरे धोने के देना, घर को जाके वही काम करना अपना पूरे। आपने पूरे अच्छे बातें बताए, पूरा सुबह नमस्ते बाद सबकी दुआ मांगेंगे। जो भी है बीमारी का मकसद अभी हिसाब पर अपन बात करें सो है, अभी साथ ही आपको थोड़े इंस्ट्रक्शन देंगे, उस हिसाब से अपन जगह आपको बनाएंगे। डिसीज पाए नहीं बढ़े सके।